ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदम श्रृंखला में जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों पर जनजातीय कार्य मंत्रालय की अपर सचिव आर जया के साथ पत्रकार नीलाब श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। भारत सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस कार्यकाल में सरकार की ये प्रयास रहा है कि सोशल वेलफेयर से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुरक्षा के बेहतर इंतजाम, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं। इसी हफ्ते में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को अपना अनुमोदन दिया है। उसके बाद हमने देखा कि कैबिनेट की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी ये चीज बताया कि इस स्कीम का क्या एजेंडा है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इसमें जो हमारे आदिवासी बहुल गांव है, ऐसे गांव है टोटल 63,647 विलेजेस है देश भर में, करीब 549 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब के पॉपुलेशन को कवरेज किया जाएगा और इसमें 25 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसके अगर हम ग्रुपिंग देखें तो हाउसहोल्ड और कम्युनिटी लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वैसे ही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेज, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और कनेक्टिविटी, इन 6 बड़े सब ग्रुप्स में 25 कंपोनेंट्स यानी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आदिवासी बहुल गांवों का हो, वो भावना के साथ ये स्कीम कैबिनेट में अप्रूव हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में जो 2011 का सेंसस है, जनगणना के हिसाब से 10.45 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत में जनजातीय लोगों की, और साथ में 705 ट्राइबल कम्युनिटीज से भी ज्यादा हैं, जो कि 8.9% है भारत की जनसंख्या का, जैसा कि मैंने कहा 2011 के जनगणना के हिसाब से। जो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है मैम, ये क्या एजेंडा है इसका, ये क्या करने वाला है और इस पर कितना बजट सैंक्शन दिया है सरकार ने और ये कैसे रोल आउट होगा, इस पर हमारे लिसनर्स को प्लीज बताएं। सबसे पहले हमें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को समझने के लिए हमको डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर एसटी, जिसको हम लोग शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट एसटीसी भी जो कहते हैं, उसको समझना जरूरी है। भारत में हमारे 42 मिनिस्ट्रीज के बजट में जितने स्कीम्स हैं उनमें 1% हमको ट्राइबल वेलफेयर के लिए उस स्कीम के तहत ट्राइबल्स के लिए एलोकेट करना है। कई बार क्या होता है, ये एलोकेशन नोशनल हो जाता है, इस कारण से इसमें पैसा ट्राइबल्स को ही पहुंचे। इस उद्देश्य से हम लोगों ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को शुरू किया है। इन मंत्रालयों में करीब 17 मंत्रालय जो मेजर मंत्रालय हैं, उनके साथ मिलकर एक कन्वर्जेंस मोड पे हम लोगों ने इसको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सारी सरकार जो है एक मत होकर के साथ आकर के हम लोगों ने 17 मंत्रालयों के साथ हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया है। आप सब लोग जानते हैं कि इस साल के बजट में अनाउंस हुआ था और इसको जो है इस बुधवार को ही जो है कैबिनेट का अप्रूवल भी मिला है और ये मैं खुशी से कह सकती हूँ कि ये हमारा एक 100 दिन का एक प्लान था और उस 100 दिन के प्लान के मुताबिक हम लोग कर पाए हैं इसे। और इस अभियान के तहत हम लोग 5 करोड़ से भी ज्यादा, तकरीबन 5.5 करोड़ ट्राइबल भाई बंधुओं को रीच करना चाहते हैं और उनके इलाकों में, उनके गांवों में जो मूलभूत सुविधाएं, इन 17 मंत्रालयों के साथ मिलकर इसका प्रबंध करने का अभियान है। मूलभूत सुविधाएं जो सड़क हो, बिजली हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, घर हो, या फिर जो है आपका नल से जल हो, या फिर जो है शिक्षा की सुविधा हो या स्वास्थ्य की सुविधा हो। और अब तो जो है इस स्कीम के अंदर हमने एफआरए पट्टा का भी जो है एक अंग रखा है, आश्रम स्कूल्स का अपग्रेडेशन का भी एक अंग रखा है। तो इसके जो है मूलभूत सुविधाएं कैसे जो है हम इस ट्राइबल पॉपुलेशन इसके बीच पहुंचा सकते हैं, इसका जो है पूरा ये अभियान का जो है ध्येय है। इस ध्येय के तहत हम लोग 549 जिलों को कवर कर रहे हैं, जिनमें जो है 63,800 गाँव से भी ज्यादा गाँव जो है इन्वॉल्व है। इसका एलिजिबिलिटी है अर्हता विलेज का है कि 500 के पॉपुलेशन होना चाहिए और उसमें 50% शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन होना चाहिए। आपने जैसा कहा कि 100 दिनों का जो सरकार का एजेंडा था उसके तहत इसे डेवलप भी किया गया, तो इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप, एक्शन प्लान किस तरह का होगा?
अभी हाल ही में जो है हमारे मंत्रालय जो है आप जानते हैं एक स्कीम जब भी आता है एक मिशन जब भी आता है सब मंत्रालयों में जो है इसका जो भी स्टेक होल्डर मंत्रालय है उनके कंसल्टेशंस होते हैं वो कंसल्टेशंस तो हुए हैं उसके साथ साथ स्टेट के साथ भी कंसल्टेशंस हुए हैं और अगले हफ्ते हम लोग एक मंथन शिविर जो मंत्रालय और राज्यों के साथ मिलकर जो है करने वाले हैं जिसमें हम हर एक जो सुविधा हम लोगों को पहुंचाने की हमने बात करी है उसमें कैसे काम होगा कितना सैंक्शन अभी कर पाएंगे कितना तैयारी हो चुका है तो इस पे जो है और आने वाले कल में जो है क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा ताकि जो है ये जिस टाइम को खत्म होना है एक सुविधा को देने का कार्यक्रम वो कैसे हो पाए इसके लिए जो है हम लोगों का एक मंथन शिविर आने वाले हफ्ते में होने वाला है और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक बहुत बड़ा जो है IAC कैंपेन भी शुरू किया। आप देखेंगे कि करीब 17 नेशनल न्यूज ने जो है इस कैबिनेट डिसीजन को कवर किया है और उसके साथ मिलकर आप अगर सोशल मीडिया का इसका रीच अगर देखेंगे तो 1.1 मिलियन से भी ज्यादा जो है उस दिन ही जिस दिन जो ये कैबिनेट डिसीजन अनाउंस हुआ तो इसका मतलब है कि लोगों में जो है वो एक इच्छा है कि क्या हो रहा है मंत्रालय में ट्राइबल अफेयर्स के मंत्रालय में ये दिखाता है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी आपके श्रोतागण से कि वो जो है इस अभियान में अपना योगदान भी दें ताकि जो है जो ट्राइबल बंधु के साथ जो है जिसका जो रिश्ता है वो उन तक पहुंचाएं कि एक खबर और इसके साथ साथ बेनिफिशियरी सैचुरेशन कैंप भी निकालने वाले हैं जिसमें जो है हम आधार कार्ड हो या कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो जाति प्रमाण पत्र हो या फिर जनधन अकाउंट हो ये सब खोलने के लिए जो है हम लोग अगले कड़ी में ये भी शुरू करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है जो मूलभूत सुविधाओं का वो हर एक मंत्रालय में अपना अपना कार्यक्रम बना रहा है और उसके साथ साथ जो है हम लोगों का एक पोर्टल भी बनेगा जिस पोर्टल के जरिए इम्प्लीमेंटेशन का क्या हाल है ये भी लिया जाएगा अपडेट्स मिलते रहेंगे ऑन ए रियल टाइम बेसिस। जनजातीय जो जनसमूह है मैम उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसे अब्रीविएट हम कहते हैं PVTGs जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। वैसे तो इनके बारे में स्कीम्स अलग से ही बनती हैं मगर क्या ये स्कीम इनको भी बेनिफिट कर पाएगी या उनकी स्कीम्स पैरेलल चलेंगी ये थोड़ा सा एक क्लैरिटी अगर आप दे पाए। देखिए PVTGs के लिए जो है PM जनमन अभियान जो है आपने सुना होगा उसमें जो है सारे 75 PVTGs कवर्ड हैं और उसके साथ साथ अगर इस मापदंड से विलेज का जो पॉपुलेशन के मापदंड से उनका भी खरा उतरता है तो जो उसमें नहीं कवर्ड है वो इसमें कवर हो सकता है। लेकिन PVTGs के लिए जो है अटेंशन फोकस्ड रहे इसके लिए 45 लाख के जो है पॉपुलेशन है वो और उन तक जो है मूलभूत सुविधाएं पहुंची ही नहीं थी वो मोस्ट नेग्लेक्टेड रहे हैं तो जो है उन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए लास्ट ईयर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मतिथि पे जिसको हम जनजातीय गौरव दिवस भी कहते हैं नवम्बर 15 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था PM जनमन और उस दिन से आज तक काफी आगे बढ़ चुके हैं सैंक्शंस में हों या कई लाखों लोगों को अपनी चाबी मिल चुकी है घर की। तो इस तरह जब हम देखेंगे तो PM जनमन का जो एक कन्वर्जेंस मॉडल था उससे ही निकला है एक तरह से PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये जो सारा अभियान है वेलफेयर का है जो हम इसमें देखते हैं उसमें स्वास्थ्य सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है तो हमारा जो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान है क्या इसमें इसको एड्रेस करने की व्यवस्था है? जी उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दो अंग हैं। एक है कि क्योंकि PHCs जहां नहीं हो पाएंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जहां नहीं हो पाएगा वहां पर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स लाने का जो है एक कॉम्पोनेंट है। दूसरा कॉम्पोनेंट है आयुष्मान भारत कार्ड जो है वहां सारे एलिजिबल लोगों को ट्राइबल लोगों को पहुंचाने का। हमारे मंत्रालय की तरफ से SCD स्कीम करके एक हम लोगों ने लेकर आए हैं सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं जिसमें जो है हाई लेवल टेस्टिंग होता है प्री नेटल टेस्टिंग। आप जानते हैं कि सिकल सेल डिजीज एक अनुवांशिक डिजीज है और उसको अगर रोकना है तो फीटस लेवल पे ही रोकना होगा बल्कि शादी के से पहले ही जो है जांच हो जाना चाहिए और लोग जो है दूसरा भी जो कैरियर है उसके साथ शादी ना करें तो अच्छा है। लेकिन कभी कभी कुछ हो जाए तो जो है वो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो क्या ग्रसित है क्या डिजीज है क्या ये देखने का ये टेस्टिंग का भी एक
सुविधा है और उस सुविधा को जो है बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस को हम फंड करने के लिए तैयार हैं। एटलीस्ट एक सेंटर हर एक स्टेट में होना है करके पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान में है। दूसरा अवेयरनेस जनरेशन ऑन एससीडी कि एससीडी क्या है, उसको कैसे जो है मैनेज कर सकते, उसके लक्षण क्या है, ये सब जो है जागरूकता पैदा करने के लिए उस स्कीम में प्रबंध है। और तीसरा काउंसलिंग जो कैरियर है, जो इस अनुवंशिक जीन को जो है वो कैरी करता है और जो ऑलरेडी रोगग्रसित है, उन दोनों में जो है जाके पहुंच के किस तरह से इसको जो है संभालना है, क्या करना है आपको, ये जो है एक इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देने के लिए, इसके लिए भी जो है हमारा एससीडी स्कीम में जो है ये प्रावधान है। मैम एक ये भी सवाल आता है कि जो पब्लिक वेलफेयर की जो चीजें हैं उसका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, उसमें तरह तरह की कम्युनिटीज हैं, तरह तरह के टारगेट ग्रुप्स हैं, मगर यहाँ पर जब हम जनजाति समूह की बात कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं जो सरकार ने जनरलाइज भी लाए हैं, उसके कुछ बेनिफिशरीज हो सकते हैं जनजाति समूह भी हों, तो उस पर भी आपकी मिनिस्ट्री का भी उसमें बहुत बड़ा स्टेक है, तो उसको आप स्टीयर भी करते हैं, तो वो जैसे मैं जानता हूँ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है या पीएम जनजाति विकास मिशन है, इस तरह की और भी स्कीम्स हैं, तो ये स्कीम्स कैसी हैं, इसके बारे में एक ओवरव्यू अगर आप हमारे श्रोताओं को दे सकें। पीएम जनजातीय विकास मिशन जो है वो स्कीम है जो हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो इकट्ठा करके उसको बेचते थे, जैसे इमली हो गई या महुआ हो गया, तेंदुपत्ता, उनको जो मूल्य मिलना था वो मिलता नहीं है, तो उनके लिए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो 87 आइटम्स के लिए है ही, लेकिन ये भी एक सोच आया कि जो है वो खुद उसी ग्रुप से जो है वैल्यू ऐड करें, उसको और बेहतरीन करके पैकेज करके वो खुद बेचें, तो जो है उनका जो इनकम है वो आमदनी हो सकता है बढ़ जाए, तो इसके कारण जो है वनधन विकास केंद्र का एक कॉन्सेप्ट निकाला गया जिसमें जो है करीब 300 लोग होते हैं, 15 एसएचजी होते हैं जिनमें हर एसएचजी में करीब 20 लोगों का जो है एक समूह, उन समूहों को जो है मिला करके 300 लोगों का एक वीडीवीके बनता है और उस वीडीवीके को कुछ ट्रेनिंग देके, कुछ टूल किट्स देके वो वैल्यू एड जब करते हैं तो उनकी आमदनी हमने देखा है कि बढ़ जाते हैं। इस तरह करीब 4000 से भी अधिक जो है वीडीवी केस बन चुके हैं जिनमें से करीब 1500 वीडीवी केस अभी जो है अपना सामान बेच रहे हैं, ट्राइफेड के जरिए हो या अपने आप हो, ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। करीब 10 लाख औरतें जो है इसमें करीब जुड़ी हैं। उसी तरह से हम ईएमआरएस को या स्कॉलरशिप स्कीम्स को, एजुकेशन स्कीम्स को देखेंगे तो जो है ईएमआरएस में आज के दिन करीब 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 400 से भी ज्यादा ईएमआरएस फंक्शनल हैं, करीब 8000 टीचरों को रिक्रूट कर चुके हैं और स्कॉलरशिप अगर देखेंगे तो 9वें क्लास से लेकर के पोस्ट डॉक्टर तक करीब 30-32 लाख बच्चे जो है अब स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो ये गर्व का विषय है हम लोगों के लिए। आपकी बातों से ही ये चीज समझ में आई, जहन में आई और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे आपने कहा कि ट्राइबल ग्रुप जो हैं ये इनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं आती, हम सब तो अपने अपनी चीजों के लिए डिमांड कर लेते हैं, मगर इस ऑब्स्टिकल को आप कैसे क्रॉस करते हैं, ये कितना मुश्किल होता होगा कि आप उनको आइडेंटिफाई करें और उनको वो मूलभूत सुविधाएं या उनकी वो सुविधाएं जिसके वो हकदार हैं उसको देने का प्रयास कर सकते हैं आप। अवेयरनेस जनरेशन एक बात है और अब जो है जागरूकता अबाउट गारमेंट स्कीम्स ट्राइबल्स में भी बढ़ गया है, टीवीटीजीस में ये ज्यादा एक इश्यू होते हैं, ट्राइबल्स में कम इश्यू होता है, फिर भी जो है अवेयरनेस जनरेशन पे हम पूरा जोर दे रहे हैं, आईएसी कैंपेन के बारे में मैंने बात किया आपसे, उसी तरह से जो है इस कारण से वॉलंटियर एफर्ट्स भी हम मांग रहे हैं। तीसरा जो है हमारा ये अभियान जो है इस कारण से आया है कि जब तक ट्राइबल भाई बंधु जो है डेवलपमेंट पाथ पे नहीं आएंगे तो हमारा जो है नेशनल डेवलपमेंट भी उतना कुंठित होगा, इस कारण से जो है विकसित भारत की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो ट्राइबल भी विकसित भारत का एक हिस्सा बनेगा और इस कारण से हम लोगों का यही डिमांड ओरिएंटेडनेस एक ही नहीं सप्लाई ओरिएंटेडनेस से भी डिमांड क्रिएट होता है, तो वो जागरूकता भी आना है और वो मूल सुविधाएं भी देना है, तो उस तरह से सोच के साथ हम लोगों ने ये शुरू किया है। मेरे ख्याल में जो है आने वाले 1-2 साल में जो है वो डिमांड भी जो है काफी अच्छी तरह से रेज कर पाएंगे और इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम उनका जो है पूरा योगदान रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद मैम। अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदम श्रृंखला में जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों पर जनजातीय कार्य मंत्रालय की अपर सचिव आर जया के साथ पत्रकार नीलाव श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।